Hey, hi, welcome back in my new video. And today again I am with a new journey, new success story. मेरे साथ तुषार देशमुख है एंड बेसिकली ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र मुंबई एंड अभी रिसेंटली ही हैज कम्प्लीटेड हिज CMA एंड ही ऑल्सो गॉट ऑल इंडिया रैंक और प्लस CMA कैंपस प्लेसमेंट में ही सिलेक्टेड इन ITC एज ए असिस्टेंट मैनेजर. तो ये स्टोरी आप सबके लिए बहुत इंस्पायरिंग होने वाली है. रीजन क्या है कि तुषार एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं. हिज फादर इज ऑटो ड्राइवर एंड वहां से इनकी एजुकेशनल जर्नी एंड देन राइट नाउ ही इज असिस्टेंट मैनेजर इन ITC. सो वन ऑफ द ग्रेट अचीवमेंट इन हिज लाइफ, हिज पेरेंट्स लाइफ और वो सारे ड्रीम्स जो इन्होंने और इनके फादर, इनके मदर ने, इनकी फैमिली ने देखा है, आई थिंक आज सब कुछ वो सपना पूरा हुआ है तुषार का. सो हाय तुषार, हाउ आर यू? सर, या नाउ यू आर गुड आफ्टरनून। आई एम कम्प्लीटली फाइन ऑडिबल. सर। या सो कैसा आपको यस फील, कैसा हो रहा है आफ्टर गेटिंग ऑफर ऑफ यस 12 लाख फ्रॉम ITC? आई एम फीलिंग सर हैप्पी। लाइक व्हाट एवर एफर्ट्स आई टुकन इन माय फॉर द CMA जर्नी इज वर्थ इट, फाइनली इज वर्थ इट। या बट स्टिल आई एम फीलिंग इट इज नॉट डन, इट इज हाफ वे डन। स्टिल आई हैव टू गो वेरी लॉन्ग जर्नी। राइट राइट सो या डेफिनेटली लाइक मुझे भी यही हमेशा लगता है कि हम लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हैं ओवर द टाइम और एक क्वालिफिकेशन लेके हमें स्टॉप नहीं होना चाहिए एक जगह. मैं खुद आप देख रहे हो कि मैं AI वर्ल्ड में बहुत एक्सप्लोर कर रहा हूँ. सो यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर इन यस न्यू वर्ल्ड. जैसा आपका भी कुछ मिशन विजन हो सकता है कि वी आई डोंट वॉन्ट टू लिमिटेड टू ओनली कॉस्टिंग फील्ड, जैसा आपने मुझे पहले बताया भी था, तो आप उस चीज को भी आप फोकस कर सकते हो. यस यस भैया, बेसिकली फाइनेंस में मेरा मतलब फाइनेंस में मुझे बहुत एक्सपोजर, मतलब वो फील्ड इंटरेस्टिंग करती है और मुझे वो फील्ड में एक्सपोजर लेना है आगे जाके। और जैसे लोगों के माइंडसेट में कॉस्टिंग ही रहता है कि CMA सिर्फ कॉस्टिंग, वो माइंडसेट को कहा तो मुझे एक एक्सेप्शन, मतलब एज ए एग्जांपल खड़ा करना है कि मैं फाइनेंस में भी हूँ करके, CMA फाइनेंस में भी जा सकता। सो ग्रेट. सो लाइक तुषार, आप थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि लाइक हाउ डिड यू स्टार्टेड योर CMA जर्नी और लाइक आप एकेडमिक में आप कैसे थे और देन आपको कैसे CMA के बारे में मालूम चला? सर, इन माय एकेडमिक्स आई वाज अ गुड स्टूडेंट बिकॉज आई इन 10th स्टैंडर्ड आई स्कोर 80+, इवन 12th स्टैंडर्ड कंसिस्टेंटली आई स्कोर 80+। बट वाइल आफ्टर 12th स्टैंडर्ड देर आर सो मेनी ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ मी बिकॉज मल्टीपल माई फ्रेंड्स टुकन अ CA, सम आर गोइंग फॉर CS। बट मीन वाइल आई एम वेरी कन्फ्यूज कि मैं बहुत कन्फ्यूज हो रहा था कि मुझे क्या चूज करना है। फिर वहाँ पे मुझे एक मेरे दोस्त थे, उसके उनके भाई भी अभी CMA है और उन्होंने उसको ये सजेस्ट किया था कि CA, वो जा रहा था CA करने के लिए, बट उनका जो CMA करने के लिए उनके भाई ने उनको कहा कि CMA और CA ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है, जो आपका दोनों में यही इतना फर्क है कि उनका टैक्स एंड ऑडिट में ज़्यादा हो जाता है और अपना कॉस्टिंग फाइनेंस में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगर तुमको CA ही करना है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा 3.5 लाख CA पड़े हैं एंड CMA की देखने जाओगे एज कम्पेयर टू, तो अभी 1 लाख करीब पहुंच रहे हैं, तो आपका लिए बहुत स्कोप है और आपका वहाँ पे अभी भी मोनोपोली है। बिकॉज अगर आप टैक्स देखोगे तो बीकॉम जो पर्सन बीकॉम ग्रेजुएशन है और विद गुड एक्सपीरियंस है तो वो भी टैक्स के काम कर सकता है, बट कॉस्टिंग के लिए कंपनियों के लिए CMA ही चाहिए। एंड ये माइंडसेट के हिसाब से भी मैंने आगे थोड़ा सर्च किया कि CMA क्या है, क्या क्रोस है, उसका क्या पूरा ब्राउचर मैंने पढ़ा इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाके। फिर वहाँ से मुझे आया अवेयरनेस कि नहीं, CA 5 साल में इतना मेरे से स्ट्रगल नहीं हो सकता और जितना मेहनत उसमें ही है, इतना मेहनत इसमें ही करना है, तो क्यों ना ये करे, क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा एंड इतना ही वर्थ है एज अ कॉर्पोरेट में। दैट्स व्हाई आई चूजन अ CMA एंड टुडे आई फील माय डिसीजन वाज वेरी गुड डिसीजन। तो लाइक आफ्टर दैट, जब आपने जैसे आप 10th 12th की एक जर्नी अलग होती है, देन व्हेन यू स्टार्टेड CMA, तो आपने फाउंडेशन से स्टार्ट किया था राइट? यस सर, आई एम फ्रॉम फाउंडेशन रूट। मैंने फाउंडेशन मेरा 2019 में स्टार्ट किया था एंड मैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो गया था, अच्छे मार्क्स से पास हो गया था, मोर देन 350। एंड मैंने उसके लिए कोचिंग भी ली थी, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस से मैंने कोचिंग की थी फाउंडेशन के लिए। एंड उसके बाद मैंने सडनली फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप दिए इंटरमीडिएट के December 20 में, और उसमें भी मैंने ऑल सब्जेक्ट में एग्जामेशन आ गए थे मुझे। फिर उसके बाद सर मैंने पैरेलली ग्रेजुएशन भी स्टार्ट किया था CMA के साथ ही। फिर ग्रेजुएशन में जब लास्ट ईयर का ग्रेजुएशन ईयर था, तब उस ईयर में मैंने आर्टिकलशिप ग्रेजुएशन का कॉलेज जहाँ पे अपने को सेमेस्टर्स के भी एग्जाम्स रहते हैं वो,
एंड अपने सीएमए के कोचिंग क्लासेस, ये तीनों पैरेलली हैंडल किए थे इन फाइनल। तो ये सारी चीजें आपने जैसे हैंडल किया एंड देन आपकी फाइनल की पेपर भी थी, तो कहीं ना कहीं आपको फाइनल में आई थिंक आपने बताया कि अटेम्प्ट भी आपके लगे, तो कहीं यस यस भैया। यही रीजन था कि आपके अटेम्प्ट लगे जो फर्स्ट टाइम आपका अटेम्प्ट लगा था। हाँ भैया, क्योंकि पहली चीज तो इंटरमीडिएट में अपना स्टडी करने का अप्रोच अलग था, फाइनल में कोई बहुत सारी चीजें डीप हो जाती है और फोकस उसमें बहुत ज्यादा लगता है। मल्टीपल चीजें एक साथ करने के कारण शायद मेरा कहाँ पे फोकस नहीं हो पाया किसी सब्जेक्ट में, कि एज कम्पेयर टू इंटरमीडिएट के पेपर और फाइनल के पेपर काफी डिफरेंस है। और जो स्टडी मटेरियल जो अपने इंस्टीट्यूट का वो भी बहुत अलग है, जैसे कि हमें जीएसटी इंटर में भी, फाइनल में जीएसटी बहुत डीप है, बहुत डीप केस स्टडी सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चीज मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा था, उसकी वजह से ही मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनल में मैं फेल हो गया था। बट वहां पर भी मैंने बहुत ग्रुप ही ट्राई किया था, क्योंकि मेरे माइंडसेट में क्लियर था इंटर में रैंक रह गया था फाइनल में, तो उसके हिसाब से मैंने वापस सेकेंड अटेम्प्ट में भी, लोगों ने कहा मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स जो बने थे फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ में, उन्होंने भी सिंगल सिंगल ग्रुप दिए, क्लियर हो गए थे फाइनल में। जब सेकेंड अटेम्प्ट दे रहा था वो फाइनल का उनका एक ग्रुप दे रहे थे, क्योंकि उनका एक फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रुप क्लियर हो गया था। फिर मुझे वहां पर थोड़ा लगा कि मैं थोड़ा पीछे रह रहा हूँ, बट जब मैंने थर्ड ग्रुप अटेम्प्ट में वापस दोनों ग्रुप देकर रैंक आके मतलब आईटीसी जैसे कंपनी में सिक्योर किया, कि लग रहा है कि अभी कि हाँ मैं आगे चल गया हूँ। मतलब कभी कभी थोड़ा कदम पीछे आने का मतलब ये नहीं होता कि आप पीछे रह जाते हो, तो लंबी उड़ान भरने के लिए वो थोड़े से स्टेप्स पीछे आते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है मेरे लाइफ में, जो भगवान ने जो मुझे आज रिजल्ट दिए है वो देख। आपका ऑल इंडिया रैंक कितना आया था AIR? ऑल इंडिया रैंक 30 सर। ऑल इंडिया रैंक 30 आया यस था। तो जब आपने यस रिजल्ट देखा और ऑल इंडिया रैंक 30, सर उस समय आपकी फीलिंग कैसी थी? लाइक हाउ वाज यू फील? पहले तो सर रिजल्ट का जब ये दिन था, ये जून 23 के फर्स्ट डे पे, तो कुछ ऐसे ही हवा बनी थी कि रिजल्ट आ जाए आ जाए आ जाए ट्विटर पे भी। उस दिन तो मैं ऑफिस में था, बहुत टेंशन में था, काम पे फोकस मतलब हो रहा था थोड़ा थोड़ा, बट बार बार वेबसाइट पे जा रहा था कि आ गई है लिंक आ गई है, बट नहीं आई। फिर सेकेंड डे में मैंने रात में 2 बार उठा था मैं रिजल्ट चेक करने के लिए। एक पहले रात में सोने से पहले मैंने चेक किया वेबसाइट पे, कुछ नहीं है। फिर रात में इसी मुझे कुछ 3:30 4 o'clock को नींद थोड़ा सा मैं उठ गया, तो वापस मैंने चेक किया कुछ दिख रहा है कि नहीं, फिर भी कुछ नहीं देखा। फिर सुबह जैसे उठा तब मैंने चेक किया कि टेलीग्राम पे आया है कि योर फाइनल एग्जामिनेशन लिंक इज हियर, तो मैंने पहले चेक किया और पर मैं बेड पे ही वहां पे ही चिल्लाने लग गया पास हो गया। मेरा भाई वहां से आया बोला पास हो गया, फिर वहां के जो रिएक्शन थे उसके बाद चलता ही रहा सब। ओके सर, जब आपको पता चला कि आपका ऑल इंडिया रैंक भी सिक्योर हुआ है, बिकॉज रैंकर की लिस्ट बाद में आती है, तो लाइक यस यस तो आपको कैसे पता चला कि मेरा रैंक आ रखा है? हाँ, उसके पीछे भी एक स्टोरी है। मतलब मैं पास हो गया था और मेरा जो एक फ्रेंड था वो फाइनल में पास हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, जब मुझे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसने सेकंड, उसने बहुत बहुत ग्रुप देके वो पास हो गया। उसने मुझे कॉल किया कि भाई तू पास हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, मार्क्स तेरे बहुत अच्छे हैं। फिर मैं बोला रैंक आया कि नहीं, उसने मुझे कहा, मैंने कहा नहीं मैंने देखा नहीं अभी तक, लिस्ट नहीं आई है ना। तो उसने ठीक है मैं बताता हूँ, और ऐसे ही सडनली कुछ अराउंड 11 साढ़े 11 बजे उसने मुझे कॉल किया, कॉन्ग्रेचुलेशन AIR 30 CMA तुषार तेरी रैंक आई है। मैं बोला झूठ मत बोल भाई, मुझे लग नहीं रहा था इतने कम मार्क्स देख के। बोलते सच में पार्टी देगा ना? बोला हाँ देता हूँ, तो शेयर तो कर। तो उसने मुझे रैंक लिस्ट शेयर की, तब मैंने रैंक लिस्ट में चेक किया कि हाँ भाई आई है मेरी रैंक। माय गॉड। अच्छा, पापा का फीलिंग कैसा था, लाइक जब व्हेन ही नो कि आपकी रैंक आ गई है सीएमए एग्जाम में? पापा की तो फीलिंग ऐसी थी कि बस अभी हो गया, परिवार का निकल गया सब जो भी था। उसके बाद लाइक व्हेन आपने मुझे कैसे ज्वाइन किया, लाइक आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? हाँ, जैसे ही मैंने सीएमए फाइनल पास किया तो मेरे जो सीनियर्स थे, जो मेरे से मतलब मेरे साथ ही पढ़े थे बट पास आउट हो चुके थे, उन्होंने कहा कि कैंपस के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा, कंपनीज आती है रैंक है फिर भी तेरी एडवांटेज है शॉर्टलिस्टिंग का, फिर भी तुझे प्रिपेयर तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंपनियों के इंटरव्यू बहुत ईजी होते हैं कैंपस में भी। फिर उस एज में जब मैं सर्च कर रहा था कोई मेंटोर, तो मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिले थे, कोई राजस्थान के कोचिंग क्लासेस थे वहाँ से मुझे मतलब अपने इंस्टीट्यूट के, शायद वहाँ से मुझे व्हाट्सएप लिंक आई थी कि इस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए कैंपस के लिए। फिर यहाँ पर मैंने, मेरा एक दोस्त है योगेश, उसने भी आपके साथ ही आपकी मेंटरशिप ली थी या कैंपस के लिए, राइट उसने मुझे राइट सजेस्ट किया कि ये सर को मैंने लिंक्डइन पे फॉलो करता हूँ, ये मैं तुझे लिंक भेज रहा हूँ एक बार तू देख ले। जब जैसे ही उसने मुझे यूट्यूब का लिंक भेजा, मैंने आपके जो पास्ट स्टूडेंट्स थे उनके एक्सपीरियंस जैसे सुने,
एंड आपके जो एफर्ट्स मैंने सुने थे कि आप जैसे AI हो गया, SAP का जो गाइडेंस देते हैं बच्चों को, उसके हिसाब से मुझे लगा कि मुझे SAP का इतना नॉलेज नहीं है एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी मैं इतना फैमिलियर नहीं हूँ, तो मुझे आपका ही कैंपस से सिलेक्ट होना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो कि टेक्निकल राउंड है वो तो आप प्रिपेयर करा ही दोगे, बट इसके बावजूद ये जो एडवांटेज मिलेगा टेक्नोलॉजी का और ये SAP का, उस वो दो फैक्टर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मैं आपका कोर्स ज्वाइन करूँ। अच्छा, वो जो तुमने देखा और तुम्हारी एक्सपेक्टेशन जो थी, क्या वो मैं मीटअप कर पाया? डेफिनेटली उससे ज़्यादा, क्योंकि ये ग्रुप डिस्कशन जो आप रेगुलर डेली कराते थे ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई और कोई मेंटर करते होंगे, क्योंकि जब भी मैं देखता हूँ कि हर डेली कितने भी ट्रैवलिंग, मतलब मैं नोटिस पीरियड सब कर रहा था और ट्रैवलिंग करके जब ग्रुप डिस्कशन को भेजता था तो कभी कभी 10-15 मिनट मेरे मिस हो जाते थे, फिर आप वहाँ इंडिविजुअली लोगों को ऑब्जर्व करके बुलाते थे कि तुमने आज कुछ नहीं बोला, तुम दो हो, तुम दोनों के बीच में अभी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा, राइट, तो वो आपकी जो स्ट्रेटेजी थी वो मुझे बहुत हेल्प करती थी, क्योंकि मैंने भी 2-3 बार कुछ लेक्चर में बोला नहीं था तो आपने इनिशिएट लेके सामने से कहा कि अभी कोई नहीं बोलेगा, ये दोनों के माइक ऑन हो गया, ये दोनों आज डिस्कस करेंगे टॉपिक के ऊपर। सो ओवरऑल मतलब आपको सेटिस्फेक्शन था, राइट? और आई थिंक आपका डिसीजन वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन रहा होगा, मे बी यस जॉब यस ज्वाइन किया। यस यस क्योंकि जब मैंने ये मेरे शॉर्टलिस्टिंग बाहर आए कैंपस के, मैं टोटली मतलब मेरा मल्टीपल अटेम्प्ट था इसके लिए, मुझे आई थिंक ज़्यादा कंपनी ने शॉर्टलिस्ट नहीं किया था। फर्स्ट डे पे मेरा सिर्फ ITC टोबैको में शॉर्टलिस्टिंग था, एंड बिकॉज ऑफ मैंने आपका कोर्स लिया था मुझे पता था कि ITC टोबैको का इंटरव्यू का प्रोसेस कैसा होता है, क्योंकि जो लास्ट बैच के जो सर थे प्रोसेनजीत सर, उन्होंने पूरा बेस्ट बेस्ट इन्फॉर्मेशन दिया था कि ITC के जो रिक्रूटर्स हैं वो क्या एक्सपेक्ट पूछेंगे, करते कैसे हैं कैंडिडेट से। पूछेंगे? यस यस तो उसके हिसाब से मैंने पूरा प्रिपरेशन किया, एंड जो प्रोसेनजीत सर का गाइडेंस और आपके जो स्टडी मटेरियल थे उसकी वजह से ही मेरा ITC में जॉब सिक्योर हुआ है, और आपका स्पेशली वो रिज्यूमे बिल्डिंग कंसेप्ट है। अच्छा, ये बताओ, आफ्टर दैट लाइक व्हेन यू रिसीव द ऑफर, ओके, सो ऑफर रिसीव होने के बाद आपकी फीलिंग कैसी थी? बिकॉज वो इमोशंस होते हैं ना, कि लाइक वो एक अलग लेवल के होते हैं, सो हाउ वाज योर फीलिंग? बेसिकली जब मैं कैंपस का इंटरव्यू था, मेरे साथ 20 रैंक होल्डर्स शॉर्टलिस्ट किए थे ITC, और एक रूम में बिठा दिए थे कि हम आपको नंबर वाई नंबर्स बुलाएंगे, सो मतलब तो 20 रैंक होल्डर्स इन सिंगल रूम और सबका यस इंटरव्यू हो यस रहा इन था? सिंगल ओके सबका नहीं, हर एक जन को बुला रहे थे HR ITC के। ओके फिर उस केस में ITC के HR ने पहले 3 कैंडिडेट्स को बुलाया, फिर वापस बिठाया, मुझे बुलाया, मैं गया वहाँ पे, मैंने फर्स्ट राउंड अच्छे से क्लियर किया, 30 मिनट्स का चला, मुझे मुझे नहीं एक्सेप्ट कर रहा, लग रहा था कि मुझे फर्स्ट शॉर्ट सेकंड राउंड के लिए मैं शॉर्टलिस्ट होगा। फिर वहाँ से मैम मेरे पीछे आई, बोले तुषार आप यही बैठना, कुछ इधर जाना नहीं, आपका सेकंड राउंड होने वाला है, सर आ गए। फिर जब मैं सेकंड राउंड दिया, उन्होंने माइक, कहा आपका थर्ड राउंड भी होगा, जब जब मैंने सेकेंड राउंड दिया उन्होंने कहा आपका थर्ड राउंड होगा, तब मैंने बाहर देखा, बाहर एक मेरा फ्रेंड था, वो उसका उस दिन शॉर्टलिस्टिंग नहीं था, फिर भी वो आया था मुझे मोटिवेट करने के लिए, तब उसने मुझे कहा टेंशन मत ले, सेकेंड राउंड तक कोई नहीं आता ITC का, तू आ गया मतलब तेरा हो गया, तो वो मुझे एक प्लस पॉइंट हुआ कि मोटिवेशन मेरा मिला या? कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हुआ, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि अभी मेरा हो गया है तो मैं अच्छे से ही दूंगा। फिर जब थर्ड राउंड के बाद मैं बाहर आया, उन्होंने मुझे रिजल्ट नहीं बताया था ITC वालों ने, मैं बाहर गया, क्या जो प्लेसमेंट सेल के सर थे मैंने उनसे बात की कि सर क्या लगता है मेरा यहाँ पर कुछ हुआ है, बता रहे तेरा हो गया है, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था सच में हो गया है। फिर मैं थोड़ा बाहर गया, जो प्लेसमेंट हेड थे उनके पास गया, मैम सर बोल रहे थे कि मेरा ITC में हुआ है, बोलते अरे ये देखो हेड ऑफिस के पास से ITC को मेल आया, तुम्हारा हो गया है, So, तब जाके मुझे यकीन हुआ कि मेरा हो गया है। और उसके बाद आपने शायद फर्स्ट कॉल मुझे किया था यस यस आपको भी किया, आपको ही कॉल किया था बाहर आते ही। ITC में, हो गया है देन? अच्छा, फिर आपने घर पे कॉल किया कि मम्मी मेरा ITC में या पापा मेरा यस ITC में हुआ है और मेरे को 12 लाख का मम्मी पैकेज को, मिला है, तो फिर उनका रिएक्शन क्या था? मम्मी को कॉल नहीं, मम्मी तो मंदिर गई थी, पापा को कॉल किया, पापा का यही कहना था कि मैंने कहा था तुझे एक ही कंपनी में हुआ है ना तो उसमें ही तेरा होने वाला है, ग्रेट, बस उन्होंने वही कहा था। ओके। सो ओवरऑल लाइक आप किसी को CMA कोर्स सजेस्ट करोगे कि इन फ्यूचर उनको CMA कोर्स ज्वाइन करना चाहिए? व्हाट आर योर एक्सपीरियंस? यस डेफिनेटली करना चाहिए, मतलब सिर्फ BCom MCom या फिर कोई BAF कोई एडिशनल जो वैल्यू एडिशनल कोर्सेज करोगे उससे कहीं अलग लेवल है CMA का। CMA से जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, इसके जो एकेडमिक्स है
उसके हर एक सब्जेक्ट में आप एक्सपर्टाइज कर सकते हो, जैसे आप जीएसटी में एक्सपर्टाइज कर सकते हो, लॉ में एक्सपर्टाइज कर सकते हो, फाइनेंस में कर सकते हो, कॉस्टिंग में कर सकते हो। एंड सच में कंपैरेटिवली इनिशियल लेवल पे मतलब थोड़ा सा एक दो साल आपको एक्सपीरियंस गेन करना है, उसके बाद तो आप ही हो मार्केट में, आपको जो चाहिए वो मिले जाएगा कंपनियों की तरफ से। डेफिनेटली, सो दैट्स ऑल अबाउट योर जर्नी। एंड लाइक क्या आप सजेस्ट करना चाहोगे, लाइक अभी रिसेंटली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, सो व्हाट्स योर सजेशंस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स? हाँ, स्टूडेंट्स को तो मैं ये कहूँगा, मेरे फ्रेंड्स को भी इनफैक्ट मैंने बताया है कि एग्जाम में ना ये पुरानी आईसीएम या नहीं है जो पास्ट क्वेश्चंस रिपीट करती है, इन्होंने ट्रेंड बदल दिया है अपना। अभी उनका कंसेप्ट में ज़्यादा क्वेश्चन है, और जो वेटेज स्टडी रहती थी ना उसका भी अभी कुछ काम नहीं आने वाला एग्जाम में। एक ही है, आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है और पूरा ही लिख के आना है, तभी जाके कुछ हो सकता है, एग्जामिनर कुछ कर पाएगा तभी पेपर चेक करके। ऐसे वेटेज और ट्रेंड एनालिसिस अभी काम नहीं करेंगे सीएमए के इंस्टीट्यूट के। जो एग्जामिनेशन मैंने 3 अटेम्प्ट दिए फाइनल के, उसमें मुझे ये सीख समझ में आई, एक भी चैप्टर स्किप करके नहीं चल सकते। ये तो है, दिस इज द प्रोफेशनल एग्जाम एंड नाउ लाइक जब से ऑफलाइन एग्जाम हुआ है दे हैव चेंज्ड देयर ट्रेंड, मेनी थिंग दे हैव चेंज्ड इन द एग्जाम पैटर्न। यस, और आपने देखा रिजल्ट लास्ट टाइम का, वन ऑफ द लोएस्ट पासिंग परसेंटेज। यस, लोएस्ट पासिंग परसेंटेज। तो थैंक्स तुषार कि आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की, एंड होप सो कि आई मेक यू हैप्पी विथ मी, और यस सर, बेस्ट फॉर फ्यूचर आल्सो। इवन सर, आफ्टर एवरी टाइम आई कॉल यू, मतलब मुझे अभी भी थोड़ी बहुत क्वेरी रहती है कि आईटीसी की प्रोसीजर क्या है, मुझे मेरा यहाँ पे ये उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, उन्होंने मतलब ये एप्लीकेशन फॉर्म आया है, ये सब चीज़ों के लिए मैं आपको कॉल करता हूँ, आप मुझे तुरंत रिस्पांस कर देते हो। ऐसी सर्विस कहाँ मिलती है, बाकी जगह तो कैंपस हो गया, तो आप देख लो आगे ऑफर लेटर तक जाना कब है। या डेफिनेटली, एक्चुअली देखो मेरा टारगेट ये है ना, लाइक आई ऑलवेज फील लाइक जब आपको ऑफर लेटर मिलता है, किसी भी स्टूडेंट को ऑफर लेटर, आई ऑलवेज फील कि ये ऑफर लेटर मेरा है। ओके, सो एंड बिकॉज मेरा था कि मेरा कैंपस में सिलेक्शन नहीं हुआ, एंड मेरा ड्रीम ये था कि जो स्टूडेंट मुझे ज्वाइन करे और उनको मैं ये फील करवाऊँ कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट एंड यू विल डेफिनेटली गेट द ऑफर इन द कैंपस, और मैं इसी मोटो के साथ मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया है। सो इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट के सपोर्ट में रहता हूँ कि लाइक जो मैं अपने साइड से कर सकता हूँ, इफ़ आई विल चेंज योर जर्नी, और मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा, लाइक ये आपकी जर्नी तो चलते रहेगी बट आपकी जर्नी में एक मेरा नाम ऐड हो चुका है जो अब कभी हटेगा नहीं। yes, वो लाइफ टाइम के लिए। मुझे तो प्राउड फील हो रहा है कि आपका नाम ऐड हुआ है। थैंक्स, क्योंकि आपके जो गाइडेंस था उसकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, आईटीसी जैसे कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर चुका हूँ। क्योंकि मतलब मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने भी कहा था कि आईटीसी का टोबैको का इंटरव्यू तो टफ होता है, सच में टफ होता है, एंड आपके जो गाइडेंस मिले थे उसने मुझे बहुत हेल्प किया लिटरली। क्योंकि जो आपने जो इंडेक्स के मटेरियल्स प्रोवाइड किए थे वो भी बहुत हेल्प आया। सो ऑल द लाइक बिकॉज ऑफ मेरे टेक्नोलॉजी का कवाल, ठीक है, जितने टेक में आप एक्सपर्ट हो उतना आप अच्छा क्वालिटी ऑफ सर्विस भी, बिकॉज देखो मैं मल्टीटास्किंग हूँ, रीजन यही है कि बस मुझे टेक आता है, ठीक है, सो टेक मेरी लाइफ को चेंज किया और मैंने अपने स्टूडेंट की लाइफ को चेंज किया, दैट्स इट। थैंक यू भैया, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक्स थैंक्स।